सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। सट्टा हो या जुआ या फिर नशे के लत, इंसान को इस कदर हैवान बना देता है कि उसे अपनों का ही हत्यारा बनाने से भी बाज नहीं आता। तभी तो हरिहरगंज का चर्चित सोनी परिवार नृशंस हमला मामले में पलामू पुलिस ने हकीकत से पर्दा उठाया तो सट्टा में हार चुके वो नशाबाज निकला जिसने प्लानिंग के तहत रेकी कर अपनी ही बुआ के घर लूटपाट एवं हत्या का निर्मम निर्दयी नृशंस घटना को अंजाम दे दिया। भले ही पुलिस की छापेमारी के बाद मामले का उद्भेदन होता जान मास्टरमाइंड पंकज कुमार सोनी ने सोननगर में ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। घटना में गंभीर रूप से जख्मी और एक बच्चे को हमेशा के लिए खो चुकी चुन्नू सोनी की पत्नी अनु देवी के एक नहीं बल्कि दो दो भतीजों को उसके भारी भरकम गहना को पहनने की आदत ने जान का दुश्मन बना दिया। दरअसल बिहार के रोहतास जिला स्थित सरैया निवासी पंकज सोनी आईपीएल में सट्टेबाजी का इस कदर शिकार हुआ कि उसे 18 लाख रुपए कर्जा उसके लिए आफत बन गई। ट्रक की लत के गिरफ्त में आ चुका पंकज सोनी को पैसों की जरूरत थी जिसकी चाहत में वो लूटपाट पर उतर आया। इसके निशाने पर उसकी हमेशा गहना पहनने का शौकीन चचेरी बुआ अनु देवी आ गई। हरिहरगंज में अपने घर में बच्चों संग अकेली रहने वाले अनु के घर जाकर एक अनजान सहयोगी के साथ पहले तो पंकज ने रेकी की, फिर एक भाई मृत्युंजय सोनी के साथ मिलकर चार युवकों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और साक्ष्य छुपाने की नीयत से उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की। गनीमत इतना रहा कि अनु देवी और उसके दो बच्चों की सांसें तो चलती रही जिन्हें बनारस स्थित ट्रामा सेंटर ले जाकर बचा तो लिया गया परंतु अनु देवी का एक बेटा ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड मोबाइल ट्रेस से लेकर हर तकनीक पर काम कर रही गठित एसआईटी टीम ने परत दर परत एक महीने के अंदर ही मामले का खुलासा कर दिया। जब स्वस्थ होने के बाद पीड़िता अनु ने सबका नाम भी पुलिस को बता दिया और अनजान अपराधी की पहचान भी कर ली जिसके बाद चार में पंकज के मरने के बाद बचे तीन में दो को पलामू पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और एक की गिरफ्तारी में जुटी है। लेकिन चाहे सोनी परिवार हो या अन्य कोई, आईपीएल सट्टा का कारोबार जहां फलने फूलने का संकेत मिले वहीं जुआ नशा की आदत का एक और घिनौना सच सामने आ गया जिसके बाद कहा जा सकता है कि अपने बच्चों पर निगाह ही नहीं लगाम भी लगाना होगा। 24 अप्रैल को हरिहरगंज स्थित चुन्नू सोनी के पत्नी और उसके तीन बच्चों पर जो नृशंस हमला हुआ था जिसमें एक बच्चे की उसमें मौत हो गई थी और बाकी तीन बीएचयू में भर्ती थे, उस मामले का पूरी तरह से पुलिस ने एसडीपीओ छतरपुर के नेतृत्व में खुलासा कर लिया है। इस घटनाक्रम में कुल मिला के जो लोग अपराधकर्मी शामिल थे वो चार थे जिसमें से तीन अपराधकर्मी चुन्नू सोनी की जो पत्नी है अनु देवी उनके चचेरे भाई के लड़के थे। घटना का कारण यह है कि ये जो पंकज सोनी है यही जो है इसका पूरा षड्यंत्र करता है। 18 लाख रुपया जो है यह आईपीएल के सट्टेबाजी में हार चुका था, यह नशा और जो है ड्रग्स का आदि था। इसी पैसा को चुकाने के दबाव में इधर चुन्नू सोनी के घर में कुछ संपन्नता बढ़ी थी, 8 रूम का एक फ्लैट भी इसने बनाया था अपनी ज़मीन पर और साथ ही उसकी पत्नी कुछ ज़्यादा गहना पहनती थी तो ये सब चीज़ उसने रेकी कर रखा था घटना के कारित होने के 2 दिन पहले, तो उसी का फ़ायदा उठा के उसी की रेकी का आधार पर इसने जो है जेवर लूटने के लिए हथियार और पैसा लूटने के लिए जो है इसके घर पर 24 तारीख को हमला किया। और हमला करने के बाद जब इसको कुछ हासिल बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, वैसे कुछ रुपये और कुछ जेवर जो है उसके लूटे गए, लेकिन जब इसको बहुत ज़्यादा अपेक्षा के अनुरूप हासिल नहीं हुआ तो पहचान जो है जाहिर ना हो जाए क्योंकि रिलेशन के ही लोग थे तो इन लोग के ऊपर हथौड़ी से और चाकू से बेरहमी से इन तीनों के ऊपर हमला किया गया।